तो एयरफोर्स के जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपसे मेडिकल का डेट पूछे थे, आपको पता होगा कम्युनिटी में पोस्ट डालकर पूछे थे कि आपका जो मेडिकल का डेट है कब है। तो बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट है जिनका 10 तारीख के बाद आने वाला है, और आपको हम बता दें कि मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट का अभी बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट है 10 तारीख के बाद है उनका, लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं लगभग आपके, जैसे कि फेज टू में कुछ का था कि 7 तारीख को आपका फेज टू हुआ था और बाकी सब आपका 27 से शुरू हुआ था, कंटिन्यू आपका 7-8 दिसंबर तक चला था। लेकिन अब यहाँ पर मेडिकल में ये है कि आपका 10 के बाद काफ़ी स्टूडेंट का, जैसे कि फेज टू आपका हुआ था 27 के, बहुत ज़्यादा एकदम हुआ था, तो वैसे ही आपका मेडिकल भी यही है। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का 10 तारीख के बाद मेडिकल है, यहाँ पर जो भी डेट हम दिए थे, देखिए आपका 16 जनवरी है, आपका यहाँ पर 10 जनवरी है, नीचे की तरफ चलेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 जनवरी है, 20 जनवरी है, 10 जनवरी, काफ़ी मतलब कि 10-15 आपका, ये 18 जनवरी, 18 देखिए 18 ज़्यादा है यहाँ पर, 18 जनवरी, 8 जनवरी, यानी कि जो मेडिकल का डेट है अब यहाँ से सीधे आपका 22 दिन टोटल आपका रह गया है मेडिकल का डेट। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका मेडिकल का जो डेट है, यानी कि गाजियाबाद सेंटर से रिव्यू हम देंगे, सबसे पहले वहाँ का रिव्यू हमको मिलेगा क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 8 जनवरी को लुधियाना, यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे जगह का यहाँ पर रिव्यू हम देने वाले हैं आगे चलकर। 11 जनवरी भोपाल है आपका अमला, यहाँ पर देख सकते हैं आपका 8 जनवरी 2020 गाजियाबाद, यहाँ पर देख सकते हैं 9 जनवरी को बेंगलोर में, यहाँ से देखिए पूरा, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर 8 जनवरी है, यहाँ पर 11 ACC तेजपुर आसाम का है, 17 जनवरी बैरकपुर यानी कि देखिए अम्बाला यानी कि 17 जनवरी को, 6 जनवरी देखिए यहाँ पर आया यहाँ पर डेट, इसीलिए बोल रहे थे कि आपका यहाँ से सीधे 22 दिन बच गया है अब टोटल, ठीक है? 6 जनवरी आपको दिख रहा हर्षित रुद्रा का यहाँ पर जो मेडिकल का डेट है, अब यहाँ पर 22 जनवरी कानपुर, 20 के बाद भी कुछ कुछ कैंडिडेट का है, 14 जनवरी मुंबई का, यहाँ पर देख सकते हैं 10 जनवरी का यहाँ पर हलवारा, यानी कि सारा का सारा 14 जनवरी है। यहाँ पर मनीष ग्वाला का 22 जनवरी है, यहाँ पर देखिए प्रवीण शुक्रवार का 13 जनवरी मुंबई में, यहाँ पर देखते जाइए 11 तारीख 15 आपका सारा डेट है, यह पूरा बहुत ज़्यादा कमेंट आया था, 100+ कमेंट गया है। यहाँ पर 25 जनवरी, 9 जनवरी, यहाँ पर देखिए 16 जनवरी कानपुर है, 17 जनवरी, यहाँ पर देखिए 7 जनवरी, 6 मिला, 7 भी मिला हमको, 14 मिला पूरा, देखिए 14 को भी बहुत ज़्यादा मतलब कि हर जगह पर है, 17 जनवरी, 10 जनवरी, 18 जनवरी गोरखपुर, यानी कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का है कि 10 के बाद कुछ कैंडिडेट का है, यानी कि मतलब कि 60% कैंडिडेट का आपका 10 तारीख के बाद होने वाला, 40% ऐसे कैंडिडेट है जिनका 10 के पहले हो जाएगा। तो यही स्थिति है आपका मेडिकल का। तो मेडिकल जो आपका डेट है आपको पता है, सभी को पता है, सबको बता देगा 22 दिन आपका यहाँ से बचेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ जरूरी चीज़ है जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है? तो आपको हम बता दें कि कान को जो आप लोग वैक्स करा लीजिएगा। अब कुछ लोग बोले थे कान वैक्स कब कराएंगे, 1 सप्ताह पहले भी आप करा सकते हैं कान को वैक्स, ताकि उतना दिन अभी अभी कराइएगा तो गंदा धूल वगैरह मतलब कि चला ही जाएगा कान में, तो अभी नहीं करवाइए आप लोग, 1 सप्ताह पहले कान को वैक्स फ्री करवा लीजिएगा। सेकेंड चीज़, अगर आपका दांत में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी 1 सप्ताह पहले जरूर करवा लीजिएगा, ताकि आपका दांत का जो भी प्रॉब्लम हो ठीक रहे, ठीक है? नेक्स्ट आपका चीज़ आता है, अब प्राइवेट पार्ट्स पर एक मतलब कि प्राइवेट पार्ट्स पर एक क्वेश्चन आया था कि प्राइवेट पार्ट्स का जो हेयर है कब रिमूव किया जाएगा। तो देखिए प्राइवेट पार्ट्स का जो आपका हेयर है वो भी आपका मेडिकल से 1 दिन या 2 दिन पहले, ठीक है? 1 दिन या 2 दिन पहले, जब आपका मान लीजिए 6 तारीख को मेडिकल है तो 5 या आप 4 तारीख को आप अपना प्राइवेट पार्ट्स का जो हेयर है वहाँ मतलब कि पूरा क्लीन कर लीजिएगा, ठीक है? और आपका जो चेस्ट पर है आर्मपिट यानी कि कांख वगैरह में पूरा बाल नहीं रहना चाहिए जहाँ जहाँ पर आपका चेक होगा, ठीक है? तो 1 या 2 दिन पहले करिएगा, ताकि मतलब कि उस टाइम तक आपका क्लीन दिखे यानी कि साफ सुथरा दिखे सब कुछ, तो ऐसे करके जाना है, ठीक है? और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात यहाँ पर आता है एक नॉकनी, यानी कि नॉकनी के लिए एक प्रॉब्लम आया था कि उसका क्या सोल्यूशन था, एक्सरसाइज करिए नॉकनी का, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, ठीक है? उसका मतलब कि फॉलो करने आए, उसको जो ऐप है उसको डाउनलोड करके उसमें सारा एक्सरसाइज आपका नॉकनी के दिया गया, फ्लैट फुट का, फ्लैट फुट के लिए। देखिए फ्लैट फुट में क्या होता है कि देखिए जब आप जमीन पर पैर रखिएगा दोनों, तो आपका जो दोनों तलवा है दोनों पैर का टच नहीं करना चाहिए, आर्क होना चाहिए, मतलब कि सर्कल की तरह आर्क बन जाएगा आपका पैर के नीचे, वो होना चाहिए, तब आपका
मतलब कि पूरी तरीके से फिट है, आपका कोई पैर में टेंशन नहीं है। अब आपका यहाँ पर नौकनी के देखिएगा, अब अगर आपका पैर सट जाएगा, दोनों पैर मतलब कि सटेगा तो ही आपका प्रॉब्लम होगा। अगर गैप मिलेगा दोनों पैर के बीच में तब आपका ठीक रहेगा, ठीक है, तब आप फिट हैं, ऐसे चेक होता है आपका। और कोई दिक्कत वगैरह है नहीं यहाँ पर, सारा कुछ नॉर्मल तरीके से आपका लिया जाएगा। तो यही चीज़ था, शायद आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या करना है आपको। यही चीज़ है आपको करना है, ठीक है। सिंपल सिंपल जो चीज़ हम आपको बता दिए, आपको प्राइवेट पार्ट्स का जो हेयर है उसको रिमूव करना है मेडिकल से 1 या 2 दिन पहले। और आपका जो आर्मपिट यानी कांख वगैरह है, चेस्ट को देखिए, कुछ कैंडिडेट का चेस्ट पर भी हेयर रहता है तो उसको भी आप लोग हटा लीजिएगा, क्योंकि इसी जी जब आपका टेस्ट किया जाएगा, यानी कि इसी जी आपका जब टेस्ट होता है तो हेयर का मतलब कि कुछ प्रभाव पड़ने लगता है ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, इसी जी में हम आपको बता दें कि एकदम आपको एकदम ना बोलना है, ना कोई भी बॉडी में मूवमेंट नहीं होना चाहिए जब आपका ईसीजी टेस्ट होगा, क्योंकि अगर कोई भी मूवमेंट होगा तो वहां पर आपका दिखाने लगेगा, ठीक है, कि दिक्कत आ जाएगा, फिर हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसमें आपका टेंशन हो जाएगा। मेडिकल के पहले 1 या 2 दिन पहले आपके मेडिकल जब भी डेट है तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी नहीं करना है, ठीक है। आप भूल कर भी मत करिएगा, इससे क्या होगा कि आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल रहता है वो कहाँ कहीं से उठ कर कहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको परहेज करना है। आई के लिए आपको सारा कुछ हम मेडिकल के लिए बता दिए हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है इसके रिगार्डिंग तो क्या करिएगा कि नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका सोल्यूशन वीडियो के जरिए दे देंगे।